आई रे दादा, ये देखो भाई, भाई मैं आपने मेरे से ज्यादा लिया है। किसने ज्यादा लिया? मैं तो स्पेशल उसने मुझे मारा है। देख मारना, ये देख, फिर इसको बदला लेना पड़ेगा। और ये ये डाल लो, ये आजे आजेगा राइट में। हाँ, तो गेस कीजिए ये लड़का है या लड़की। तुम लोग ये कैमरा हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ आप सबकी अपनी ऋषिका। सो मैं आ गई हूँ आज अपने शूट पे और आज मैं लेकर आई हूँ सबके लिए कटहल की सब्जी। और अगर पीछे देख पा रहे हैं आप तो समझ में आ रहा होगा कि आज कुछ अलग शूट होने वाला है जिसमें मैं शामिल नहीं होने वाली हूँ, क्योंकि इस वाले शो में मैं एकदम वैम्प प्ले कर रही हूँ। अभी मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज हो गया है। सो बट आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन्स हैं, बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है और मेरे भी बहुत ही अच्छे अच्छे सीन्स हैं। सो मैं जा रही हूँ अभी रेडी होने, और फिर रेडी होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और ये जो है बहुत जल्द शादी करने वाली है कीर्ति हमारी ब्राइड, और ये भी बहुत एक्साइटेड है, पूरे टाइम मुझसे बात करती रहती है, ऐसे लहंगा लेना है, ऐसी ज्वेलरीज लेनी है, ये फ़ोन लेना है, वो फ़ोन लेना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सो ये सारी चीज़ें तो कंटिन्यू होती ही रहेंगी। मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ मेकअप एंड हेयर के लिए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो स्टे ट्यून। अच्छा दादा, सुनिए ना, मास्टर जी है क्या? मास्टर जी है वहाँ पे? अच्छा आप ही हैं। एक कल साड़ी दी थी ना मुझे, स्काई ब्लू कलर की। हाँ। ब्लू कलर की, उसका जो ब्लाउज था ब्लू कलर का। हाँ। उसका बाजू जो है ना वो बहुत लूज है मेरे। हाँ। दूसरे वाले उसे मिला के थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। हाँ। खाली बात वही यहाँ पे ही है। हाँ, बहुत लूज है बाजू का। पता नहीं अब क्या लगेगा, इसलिए बता रहा आपको। हाँ। सो मैं घर पे बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी, और हमने एक वीक पहले डिसाइड किया था कि आज के दिन खाना मैं लेके जाऊँगी, मतलब खाने में सिर्फ कटहल की सब्ज़ी, क्योंकि सबको अच्छे से बनाना नहीं आता है और मुझे थोड़ा अच्छे से बनाना आता था। और सबने पहले भी मेरे हाथ का खाना खाया था तो सबने यही कहा था कि ऋषिका तुम बना के लाओगी कटहल की सब्ज़ी। तो मुझे 3 घंटे लगे थे ये पूरी सब्जी बनाने में, और जब मैं सेट पे खाना लेके पहुंची तो देखो क्या नज़ारा था। अच्छा, वीडियो बना रही है तू? हाँ। ये देखो वो बंदा लेके बैठ गया था। आई रे दादा, ये देखो भाई, भाई आपने मेरे से ज्यादा लिया है। भैया तो स्पेशली बोला था भैया, कोई चीज मेरे लिए अच्छी चीज लाई है ये। बहुत अच्छा, थैंक यू। ये बहुत टेस्टी, मेरे को बहुत पसंद है एक्चुअली। पहले ही वो समझ रहा है टेस्टी। हाँ अच्छा सुन, थैंक यू सो मच, आप लेके आए। ये आके ले लो। हाँ बोलो ना, बोलो। यही है और भी है? नहीं बस यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, भाई अपना भाई है। किसका असर है? यही सीख रहे मुझसे। बहुत बढ़िया, तेरा इलाज, तेरा इलाज होगा, यू हैव अ डॉक्टर। ये देखो क्या कर रहा है, ये लड़का माइक लगा रहा है मेरा माइक। और ये देखो, ये देखो किस शक्ल से बना रही है, और इसने मुझे मारा है। देख मारना, ये देख, फिर इसको बदला लेना पड़ेगा। और ये डाल, मेरा कंटेंट हिट हो गया। थोड़े लड़की पे हाथ उठाया, ये देखो सपोर्ट में, ये लड़की पे हाथ उठा रहा है। Okay.
फिर मेरे सीन की बारी आई और मैं सबसे घर में नाराज़ होती हूँ। फिर मनमोहन भैया अपना बच्चा लेके आते हैं मुझे दिखाने के लिए कि इसे गोद में ले लो, बहुत अच्छा फील होगा आपको, बहुत अच्छी बच्ची है। फिर यश स्ट्रांग जी आते हैं, वो भी देखते हैं कि मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ। तो इसमें मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ, हूँ मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए हैं जिसकी वजह से मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ। अभी अचानक से मोल्ड आ गया है मेरे कैरेक्टर में। तो एक ही बंदा है जिसे मुझ पर डाउट होता है और वो सिर्फ और सिर्फ यश स्ट्रांग है, जिसका पूरा ध्यान रहता है मेरे ऊपर कि मैं कर क्या रही हूँ, मेरी हरकतें क्या हो रही हैं। बाकी सब लोग सोच रहे हैं कि यार ये तो बहुत सीधी है, बहुत स्वीट है, बट वही हैं जो जिनको समझ में आता है कि हाँ ये जो लड़की है ना, ये कुछ तो कांड करने वाली है। और वाकई में मैंने बहुत बड़ा कांड किया है। और फिर उनका और मेरा कन्वर्सेशन चलता है कि एग्जैक्ट हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड वो मुझे चेतावनी देते हैं कि ऐसा है क्या। और फिर मैं धमकी देके उनको निकल जाती हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, मैं किसी को माफ़ वाफ़ नहीं करूँगी। और वो शॉक्ड रह जाते हैं। फिर उनका जो शक है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है यकीन में। देखा, मैं चली गई ना। सो आज का हमारा शूट हो गया है कंप्लीट। और आज का शूट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि अलग अलग सीन्स थे जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रही हूँ, फिर अचानक से मेरा मूड चेंज होता है और मैं पॉजिटिव हो जा रही हूँ। मतलब प्रिटेंड कर रही हूँ कि यस आई एम पॉजिटिव, बट मैं होती नहीं हूँ। सो बस यही कहूँगी कि ये ब्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ, फैमिलीज में, ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। एंड अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मतलब जो बगल में लाल घंटी है उसे भी प्रेस कर देना, जिससे सारे लेटेस्ट अपडेट आपको पहुंचे। और बस जाते जाते यही कहूंगी कि अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।